बोल दिया ना, आइए ना भैया, जो मुझे याद आता है वो ये भी किया था कि आज परशुराम जयंती के अवसर पर उन्होंने छुट्टी देने का काम किया था, जिससे कि ब्राह्मण समाज अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने अपने स्थान पर आज के इस महान, ये खुशी का विषय है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहली बार परशुराम जयंती का आयोजन किया गया है और हम कहना चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो परशुराम जयंती की छुट्टी समाजवादी पार्टी को निष्क्रिय छुट्टी दी थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको खत्म करने का काम किया और खास तौर से ब्राह्मण लोगों, ब्राह्मण जाति के लोगों ने देश बचाने का काम किया। साथियों, परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतारी हैं और क्रोधित स्वभाव के मुनि रहे, यहाँ तक कि वो क्रोध क्रोध में भगवान राम से भी भिड़ गए। बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने आप को खास तौर से एक विशेष वर्ग हिंदू वर्ग के अपने आप को सरकार बताती है, उसने बहुत ही क्षोभ का विषय है कि उन्होंने इस दिन को की छुट्टी को निरस्त कर दिया। खैर, ज्यादा बड़ी बात न करते हुए आज हम सब लोग यहाँ भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। आज उनका प्रकट उत्सव है और सभी लोग समाजवादी पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर भगवान परशुराम की आज हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं।